नमस्ते दोस्तों, अभी हम समस्तीपुर के सदर अस्पताल में मौजूद हैं और समस्तीपुर जिले में जिस तरह से एक के बाद एक रेप की घटना सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उसके बाद अपराधियों का गिरफ्तार नहीं होना ज़्यादातर मामलों में इससे कहीं ना कहीं गलत प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और जिसका अंजाम ये हुआ है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची है नाबालिग जो गैंग रेप का शिकार हो गई। इससे पूर्व भी ये रोसरा अनुमंडल का मामला है विभूतिपुर थाना अंतर्गत और इससे पूर्व भी रोसरा अनुमंडल में राजा सिंह ने एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया था जिसमें आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि दूसरे इस तरह के जो गलत तत्व है उनका मनोबल बढ़ा और एक मासूम बच्ची है, हम चेहरा नहीं दिखा सकते हैं लेकिन देखिए यहाँ पे बेसुध होकर बेड पर पड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा मार्मिक स्थिति में है, काफ़ी दयनीय स्थिति में है और शारीरिक रूप से काफ़ी कष्ट में है क्योंकि ये काफ़ी गरीब परिवार की बच्ची थी और मेहनत मजदूरी करने के लिए, दो रोटी जुटाने के लिए, 100-200 कमाने के लिए कहीं काम करने जाती थी, लौट रही थी तो उस जगह पे बलात्कार हुआ। दोस्तों सिंघिया स्टेशन, सिंघिया घाट आप जानते होंगे स्टेशन है और कहीं ना कहीं पूरे विभूतिपुर ब्लॉक का जो है सो वो सेंटर है जहाँ पे हम हर समय भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ से खींच करके तीन दरिंदे इनको ले जाते हैं और एक जो है सो कहीं ना कहीं खड़ा होकर सपोर्ट करता है, वीडियो बनाने की कोशिश करता है और लड़की के मुताबिक, और दो इनके साथ जो है सो रेप करते हैं और स्थिति ये हो जाती है कि जिस परिवार के लिए रोटी के लिए पैसा जमा करने गई थी उस परिवार की माँ है, इधर गरीब पिताजी हैं उनसे उनको भी दिखाएंगे, वो सब कहीं ना कहीं भूखे प्यासे आज एक दो दिन से लेकर के इनको अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं और लड़की यहाँ पे बेसुध है और जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अभी इनकी माता जी से बात करते हैं कैसे हुआ था, क्या हुआ था इनके नाम पता को छुपाते हुए। ये कहिया घटना छे माता जी? परसों की भले रे। कहाँ से आबित रहे अहाँ लड़की? वो दुकान कपड़ा वाला दुकान में काम करे है ना, आठ बज के 10 मिनट पर वहाँ से छुट्टी डलकै। हाँ, ये आबित रहे तो फील्ड में यहाँ आबित रहे। हाँ, वहाँ जो स्टेशन लग जो बड़का पार्क छे। हाँ, अच्छा ठीक छे, वहाँ में यहाँ आबित रहे। हाँ, अब वहाँ भमरा नहीं है, वहाँ भमरा तर सब बैठल रहे, हमार बचिया टपल है आके एकरा पकड़ के मुंह दाब के गमछा से बांध दल के आ लग गेले कन्हा पर लाइट के लग गेले गाछी रेलवे के साइड साइड लग गेले हन काते काते लग गेले आ ल जाके एकरा गलत करके एकदम मन दे हाथ फेंक दल के फेंक दल के। हाँ, आहां केना पता चलल रे? तो ई आइले अपने घर। अच्छा, पर बेसुध भए केले के? बेसुध हो के तब उ सब पीछा एगो तो रहले आगू भाग गेले दुगो। हाँ, आ एगो आगू में रहले। अच्छा, आ तब ई भागले अइले हन, भागले अइले हन तब एकरा कहां दे निकल के की से कल्ले सांझ में फेर अइहे 2000 रुपया तोरा देबो। अच्छा, से कल के की अच्छा हमरा खाली जी के तनी निकले दे। हाँ, हाँ, तब जाके बतेला की सब। हाँ, तब हाँ की के लिए? पापा जी के बतेला। पापा जी के बतेला तब पापा जी हमरा कहल के। हाँ, 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 तब जाके हम बेटी के लग के हम बलोक गेलिए, जाय लगलिए बलोक। हाँ, तब बलोक जाय लगलिए ना तो वहाँ पर देखलिए कि वो लड़का जे मुकेश, बोलियो बोलियो, मुकेश यादव है। की नाम छो लड़का? चिन्ह छे? हाँ, चिन्ह मुकेश यादव। कहाँ घर छो? रेलवे कोई पार जहाँ पर जे अथी वही घर छे, वह बगल ठीक छे। अच्छा, आई में सुनलिए हन कि एगो को पकेरो ललके जकरा भगाए दल के लोग सब। हाँ, तो वह है मुकेश यादव। हाँ, मुकेश यादव। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई कैलक हन, गिरफ्तारी कैलके हन? हाँ, दूगो के तो गिरफ्तारी साले ओकर गार्जियन के कैलके। गार्जियन लड़का भागल छे? हाँ, लड़का भागल। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं महिला थाना ने इस पे कार्रवाई करते हुए और लड़की का बयान लेकर के केस दर्ज करके कार्रवाई कर रही है लेकिन सवाल ये उठता है कि महिला थाना समस्तीपुर में, घटना विभूतिपुर और रोसरा अनुमंडल में है। आप रोसरा अनुमंडल का उल्टा के देखें तो एक के बाद एक कई ज़्यादा ऐसी विभूतिपुर में एक गैंग रेप की घटना हुई थी। काफ़ी गरीब परिवार हैं और ऐसे परिवार के लिए जो बेटी जा कर के काम करती है किसी दुकान में, कपड़ा की दुकान में, सोचिए उसके साथ इस तरह का गलत काम हो जाए तो किस तरह से दहशत रहेगी। और सोचिए कैसे लोग थे कि वहाँ के एक स्थानीय लड़का था जिसको भगा दिया। समाज के लोग भी कम जिम्मेवार नहीं हैं ऐसे लोग। और यहाँ पर विभूतिपुर के जो विधायक हैं उनकी धन पत्नी जी हैं और महिला समिति। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो ले लेंगे। और कहीं ना कहीं रोसरा में भी जो राजा सिंह ने रेप किया था एक दलित बच्ची के साथ तो विभूतिपुर के विधायक जी वहाँ पे पहुँचे थे और ये समस्तीपुर का सदर अस्पताल है, यहाँ पे पहुँच के, हाँ यहाँ पे पहुँच के कहीं ना कहीं लड़की के हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि प्रतिनिधि पे ही उम्मीद रहता है और ये लोग वोट देते हैं। एक मिनट मैम, क्या सूचना मिली थी और क्या यहाँ स्थिति आपको लग रहा है?
सूचना मिली थी कि मैंने इसको इसके साथ ऐसे सामूहिक बलात्कार हुआ है, मैंने परसों शाम को हुई है घटना मिली है, कल रात आज सुबह में ही से हमको मैंने सूचना मिली है कि मैंने हॉस्पिटल में एडमिट है और इसके मम्मी पापा और मैंने फुआ यहाँ आई हुई है और मैंने इसके साथ ऐसे तीन मैंने तीन लड़का मिल के इस तरह से मैंने किया है। इसकी माँ तो बयान में बता ही थी और यही मैंने घटना मैंने मिली सुबह में मैंने आए थे। इसमें प्रशासनिक स्तर पे क्या पहल हुआ है अभी तक, क्या जानकारी मिली? प्रशासनिक स्तर पर है ऐसे बहाल मैंने रामपरी दी बता देगी विस्तार से। ठीक 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 ठीक। इससे पहले रामपरी जी के पास चले, उनके पिताजी से आपको मिलवाते हैं और आप इनकी स्थिति देखिएगा ना दोस्तों, इन्हीं के बच्ची के साथ कहीं मुंह ढक लीजिए थोड़ा और इसको मुंह झांप लीजिए। हाँ हाँ ठीक। पहचान नहीं उजागर करना है। इनके पिताजी हैं, काफी गरीब हैं और शरीर से भी काफी कमजोर हैं दोस्तों। और सोचिए ऐसे ऐसे गरीब बच्चों की बच्ची के साथ समाज में दबंग किस्म के लोग हैं, ये दलित परिवार से आते हैं, महादलित परिवार से, और गैंग रेप करते हैं और ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, इन लोगों का कोई पैरवी या कोई इस तरह का नहीं होता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों का मामला दबता है और इनसे बात करते हैं और बात करने की स्थिति में नहीं है। आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि इस दलित परिवार की बच्ची के साथ जो गैंग रेप हुआ है उनको न्याय मिले। अहाँ के कखनी पता चलल जे इस तरह के भले हैं घर पर आयल तो? 8-10 मास चल आ दुर्गा स्थान होते हुए जैसे बीच जैसे उठा लेके। अच्छा अहाँ कहाँ पर भले रही घटना, कुछ जानकारी छे अहाँ के? है ना फील्ड से रास्ता नीचा है ना। अच्छा स्टेशन लग, स्टेशन लग वही ठंड से जैसे कि उठा कर। अच्छा विभूतिपुर में पुलिस को फोनो के लिए रहे वहाँ इलाज करवेल चले लिया? हाँ सीधे मतलब ब्लॉक पर गलिए हॉस्पिटल में तो वो लिख के जैसे समस्तीपुर ले जाइए। अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। पिताजी बता रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर जो अस्पताल होता है उसमें गए थे प्राथमिक अस्पताल में, वहाँ से इनको समस्तीपुर रेफर कर दिया गया था मामला की गंभीरता को देखते हुए। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो लड़की वहाँ पे लेटी हुई है हाँ बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में है दोस्तों। और सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची के साथ तीन तीन दरिंदा मिल करके रेप करे, क्या बीतती होगी उस लड़की के पास। और कहीं ना कहीं रोसरा अनुमंडल में रेप तो होता है दोस्तों, महिला थाना में केस भी दर्ज हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है। रोसरा वाले मामले में भी मैम रोसरा में एक छोटी सी 12 साल की दलित बच्ची के साथ गैंग रेप किया, ये रेप किया था राजा सिंह, 50 साल का अधेड़ था, उस समय भी आप लोग सक्रिय थी, ये घटना हुई है। क्या कहा मतलब इस तरह की घटना क्यों हो रही है? देखिए ये स्पष्ट है, ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं समझती हूँ जो 2012 में जो दिल्ली में निर्भया की घटना हुई थी उससे इसको कम नहीं आका जा सकता। क्योंकि इससे क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ आधा घंटा से हूँ और मुझे सुबह ही पता चला जो इनका काफी ब्लीडिंग हो चुका है, उनके शरीर में खून नहीं है, यहाँ से तुरंत इसको प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। और हम लोग तो सबसे पहले ये कहेंगे जीवन को बचाने के लिए कि जो सरकारी खर्च पर प्राइवेट अस्पताल में बेहतर से बेहतर यहाँ से लेकर के पटना दिल्ली तक ले जाना पड़े तो पहली प्राथमिकता है कि इसकी जीवन को बचाने के लिए इसका इलाज सरकार अपने खर्च पर करे। दूसरी बात यह है ये सरकार का प्रशासन का पूरी तरह से नाकामयाबी है। अच्छा एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये सिर्फ ये नारा बन करके रह गया है। अभी आप समस्तीपुर का ही आप खुद ने ही आपने कहा कि अभी तीन दिन पहले की घटना है रोसरा में गैंगरेप की घटना घटी, अपराधी अभी तक पकड़ाया नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो इसलिए नहीं पकड़ाया क्योंकि वो दमंग व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो अपने कास्ट में भी दमंग है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो अपने दमंगता से प्रशासन को भी प्रभावित करते हैं। ये नीतीश कुमार और मोदी जवाब दे कि बेटी कहाँ बच रही है। बिल्कुल। और इस तरह की घटना अगर होती रहेगी तो आज महिला सड़क पर आएगी और विस्फोट होगा। आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से आज समस्तीपुर कलेक्टर के यहाँ हम लोग जाम करेंगे और जो भी अपराधी अभी बचे हुए हैं उनको जब तक नहीं गिरफ्तार करेगा तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और यही नहीं बल्कि ये एक घटना नहीं है, आज रोज बरोज की घटना घट रही है। उजियारपुर में एक गुंगी महिला के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आपका विभूतिपुर में बलात्कार किया गया वो अभी तक सिंघिया में पुलिस वाला रेप करता है अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम यह भी मांग करेंगे कि जो ये दलित है और इस कोटे से कम
कम 10 लाख रुपया उनको मुआवजा देने का भी ये प्रावधान है, वो तुरंत दिया जाए। निर्भया फंड उसका वैसे पड़ा हुआ है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, वो किया जाए और तुरंत इसका बेहतर इलाज किया जाए और अपराधी को इतनी कड़ी सजा दी जाए जो दूसरे अपराधी को इस तरह की घटना करने में उनको डर लगे। आज कहीं न कहीं ये घटना इसीलिए बढ़ रही है कि जो अपराधी बलात्कार करके वो पैसा दे करके थाने वाले से वो बच करके चले जाते हैं। हमारी बहन किसी गरीब परिवार से आती है, उनको लगता है कि वो आवाज नहीं उठा सकेंगे, नहीं तो 2000 रुपया का प्रलोभन दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा की मांग को लेकर के हम लोग अभी सर निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चीज ये बताएं कि लड़की काफी पीड़ा में है और इसको बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन पैसा के अभाव में ये लड़की कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पा रही। और दूसरा चीज बताया कि निर्भया फंड में बहुत सारा रुपया पड़ा हुआ है। सोचिए दोस्तों, फंड में रुपया पड़ा हुआ रह जाता है और कहीं ना कहीं घपला घोटाला अधिकारी लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसी दलित बच्ची, नाबालिग बच्ची जो यहाँ पे लेटी हुई है इलाज के अभाव में, इसके लिए न तो प्रशासन को 2 मिनट की छुट्टी है कि आके इनसे मिल ले, न ही इतनी छुट्टी है, इतना संवेदना है कि कुछ रुपया दे करके इसका इलाज करवा दिया जाए। इन्हीं महिलाओं लोग को कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा या समाज के लोगों को, नहीं तो हमको लगता है कि ऐसे ही बेड पे पड़ी पड़ी हो सकता है कि इनकी जान नहीं चल जाए, ऐसी ऐसी स्थिति है। और निश्चित रूप से हम समस्तीपुर प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ये जो विभूतिपुर की घटना हुई है, इसमें बच्ची को अभी बेहतर इलाज चाहिए, तुरंत चाहिए, इसीलिए तुरंत इसको जो भी मदद समस्तीपुर प्रशासन की तरफ से मुहैया होगा करवाया जाए, वरना ये संगठन की लोग हैं जो आज DM साहब के पास प्रदर्शन करेंगी। और निश्चित रूप से अगर इसका इलाज नहीं होता और इस बच्ची को कुछ हो जाता है दोस्तों, तो इसके लिए समस्तीपुर प्रशासन जिम्मेवार होगा, क्योंकि एक तो गैंग रेप, दूसरा अपराधी फरार और तीसरा पैसे की अभाव में बच्ची की मौत, समझ सकते हैं कितनी संवेदनशील मामला है। और कहीं ना कहीं जो है सो प्रशासन की तरफ से जो है सो यहाँ पे निष्क्रियता दिखाई दे रही। दूसरा नंबर चीज ये हो गया दोस्तों कि अब महिलाओं को समझना पड़ेगा समस्तीपुर जिला में कि शाम होने से पहले अपने अपने घरों की खिड़की केवाड़ी बंद कर ले, क्योंकि शाम होने के बाद अगर घर से निकलिएगा तो हो सकता है कि आपको कोई सड़क से खींच ले और गैंग रेप कर दे और इसी तरह से बेड पे आप तड़पती हुई मिली, ऐसा कानून व्यवस्था हो गया है। इसी उम्मीद के साथ कि लड़की को बेहतर इलाज मिले, इसके अपराधी की गिरफ्तारी हो और निश्चित रूप से यहाँ पे महिला लोग हैं, इसी मांग के साथ जो है सो आज सड़क पे उतर रही। जी, हम तो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दबा की बता चुकी है और हम लोग भी कहना चाहते हैं, सवेरे हम लोग को मालूम हुआ जो सिंघिया घाट के में जो है सो एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। हमारा कहना है कि जो आज सही बात बताई रामपरी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा नरेंद्र मोदी जी देते हैं, वह पूरा खोखला साबित हुआ, कहीं जमीन पर लागू नहीं। और उसके साथ साथ जो बिहार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार जी, वह महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अगर महिला सशक्तिकरण की बात होती तो आज लड़की का बेहतर इलाज यहाँ होता है सदर हॉस्पिटल में, वह बेहतर इलाज की सुविधा नहीं है, सिर्फ उनका हॉस्पिटल चमचमाता है, डॉक्टर और नर्स मिलेगा लेकिन दवा और सही से इलाज की व्यवस्था नहीं मिलती है। उसके साथ साथ जो आज वह कानून की राज की बात करते हैं, अगर कानून का राज रहता तो समस्तीपुर के अंदर डेली आए दिन डेली यह घटना घटती रहती, कहीं पर बूढ़ी औरत के साथ, कहीं नाबालिग बच्ची के साथ, कहीं उठा करके उसके साथ बलात्कार करके रेप करके मार के फेंक दिया जाता है, कहीं बांध के फेंक दिया जाता है। यह पूरी समस्तीपुर का जो कप्तान है हृदयकांत, उसका पूरा नाकामी यह दर्शाता है और पूरे बिहार की सरकार की यह नाकामी दर्शाती है। हम खुले तौर पर कहना चाहते हैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से आज हमारा प्रदर्शन है, हमारा सबसे मांग पहले यह है जो समस्तीपुर के अंदर जो अभी बढ़ रहे रेप की घटना और रेपिस्ट जितने भी रेपिस्ट है वह फरार प्रशासन के चंगुल से हुआ, अगर कानून व्यवस्था टाइट रहता, कानून का राज रहता तो आज पूरे सब सलाखों के पीछे रहते और आज यह हमारी जो बेटी, हमारे समाज की जो बच्ची है बेड के अंदर पर सोई हुई है, नहीं सोई रहती, यह समस्तीपुर प्रशासन और बिहार सरकार की प्रशासन की नाकामी। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था फेल है और जिनके हाथों में कानून की जिम्मेवारी है, सिंघिया में वही ASI मनोज कुमार चौधरी एक बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं। हम अंतिम सवाल के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे कि अगर समस्तीपुर की प्रशासन इसको पैसा नहीं देती है इलाज के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि इलाज तो चाहिए। देखिए, प्रशासन पैसा दे या नहीं दे,
मैं समझती हूँ कि इस तरह की घटना को लेकर के जब मंदिर बनाने के लिए लोग इतने पैसा इकट्ठा कर सकते हैं तो ये तो एक मानवता को बचाने का सवाल है। और हम महिला समिति, हमारे भी जो जनवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग अभी से चंदा इकट्ठा करके इनका इलाज करवाएंगे। चलिए, ये इसके लिए हम सरकार के लिए मोहताज नहीं रहेंगे और आज ये डिसीजन होगा कि आज इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए। निश्चित रूप से इनके तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा और इनका अकाउंट नंबर हम अभी मेंशन कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप लोग भी अपने अपने स्तर से जितना चंदा हो सकता है इस मासूम बच्ची के लिए दीजिए। काफी गरीब परिवार की है, दलित परिवार की है, इनके पास पैसा नहीं है दोस्तों। इनकी माँ है यहाँ पर बैठी हुई है, जो रो रही है, बिलक रही है। पिताजी जी सदमे में है और कहीं ना कहीं समस्तीपुर प्रशासन और निकम्मी पुलिस प्रशासन चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। और सोचिए दोस्तों कि महिलाओं का मांग है कि जो SP है हृदयकांत, उनकी नाकामी है और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से उनको हटाने की मांग की जा रही है। बहरहाल अभी लड़की की जिंदगी बचाने की बात है। आप लोग भी अपने अपने स्तर से सहयोग कीजिए ताकि शर्म तो लगे कि रोज लोग को चंदा करके इलाज करवाना पड़ रहा है रेप पीड़ित का, और जो निर्भया फंड में लाखों करोड़ है वो खजाना की शोभा बढ़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए।